Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाएंगे फलाफिल। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स है, 300 ग्राम काबुली चने हैं। इसे मैं पूरी रात के लिए भिगो के रख लिया था 10 से 12 घंटे के लिए। अब इसे हम ड्राई कर लेंगे, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना इसमें। इसमें हम ऐड करेंगे अब काबुली चना, एक बारीक प्याज स्लाइस कटी हुई, थोड़ा सा कोथमीर, चार से पांच हरी मिर्च, आठ से नौ लहसुन की कली को हम बारीक से काट लेंगे, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, इन सबको मिक्स करेंगे। इन सबको हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है, दुरदुरा होना चाहिए, बारीक नहीं। 1 टेबलस्पून सोडा, 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, लाल मिर्च, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए फलाफिल के बॉल्स बनाते हैं। हाथ को ऑयलिंग कर लीजिए, इसी तरह से बनाना है आपको बॉल्स, गोल राउंड, फिर लाइट हाथ लास्ट में आप प्रेस करिए बॉल को। आप चाहे तो पूरे एक साथ बनाकर भी रख सकते हैं, या फिर जब का जब बनाते हुए फ्राई कर सकते हैं। इसी तरह से आपको बनाना है सारे। तेल गर्म होने के लिए रख दीजिए हाई फ्लेम पे। अब तेल गर्म हो गया है, इसमें हम वन बाय वन एक डालते रहेंगे फलाफिल, एक एक करके डालिए, एक साथ ना डालें। 1 साइड पक चुके हैं, इसे सेकेंड साइड के लिए पकने पलटाइए। इसका कलर ब्राउन होना चाहिए। ये पक गए हैं, अब इसे हम सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। अब रेडी हो गए हैं फलाफिल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्रंची बने हैं। इसे आप मेयोनीज के साथ या फिर केचप के साथ भी खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।